और संसद के बजट सत्र की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होगा और 13 मई तक चलेगा। संसद में 25 फरवरी को रेल बजट पेश किया जाएगा और 29 मई को आम बजट पेश होगा। वहीं 26 फरवरी को आर्थिक सर्वे पेश किया जाएगा। बजट सत्र दो चरणों में होगा, जिसका पहला चरण 23 फरवरी से 16 मार्च और दूसरा चरण 25 अप्रैल से 13 मई तक होगा। पार्लियामेंट अफेयर्स का बैठक हुआ, इसमें तय हुआ राष्ट्रपति जी को अनुरोध करने के लिए 23 फरवरी को ज्वाइंट सेशन होगा, राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। कारण क्या है, इस साल का शुरुआत में हमेशा राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है और उसके बाद 25 को रेलवे बजट होगा। जो रिसर्च है उसके बारे में थोड़ा बहुत ओपिनियन जो है वो डिफर था, लेकिन जो पार्लियामेंट के डेज हैं उसमें आम सहमति थी कि उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जैसा पहले था परंपरागत, वैसे ही डेज जो है वो उतनी रहना चाहिए। हमारा दो ही मकसद था, एक तो पार्लियामेंट पूरा सेशन चलना चाहिए मई तक, कटेल नहीं करना चाहिए, और दूसरा स्टैंडिंग कमेटीज की मीटिंग होनी चाहिए, रिसेस होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में सरकार उन्हीं मुद्दों पर जा रही है कि सरकार सेशन पूरा चलेगा।